हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए, आज जो नीट का एग्जामिनेशन हुआ है उसका थोड़ा रिव्यू लेते हैं, कैसा हुआ था। इसके बाद सीयूईटी का एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, तो एनटीए जैसा कि पेपर करा रहा है, तो आइए हम उसको चलते हैं, थोड़ा रिव्यू उसका दिखाते हैं। तो आइए हम चलते हैं एग्जाम सेंटर पर और आपको दिखाते हैं। अभी हम कार से उतर गए हैं तो चलते हैं, तब तक हम कैमरा होल्ड कर देते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। आइए तो आपसे मिलाते हैं हम। देखिए, हमारे भाई लोग एग्जाम देकर आए हैं, तो इनका पेपर कैसा था? बढ़िया बढ़िया था। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का इसमें मतलब कैसा कैसा था क्वेश्चन? फिजिक्स केमिस्ट्री तो काफ़ी बढ़िया था, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जब अच्छे से होगी तो फिजिक्स हुआ या केमिस्ट्री के क्वेश्चन जल्दी। कौन सा पेपर टफ आया था? टफ वैसे तो फिजिक्स था, और उसके बाद केमिस्ट्री तब थी। आसान कौन सा सब्जेक्ट था? बायो ही था। बायोलॉजी। बायोलॉजी में बॉटनी वाला पोर्शन कितना क्वेश्चन आपने लगभग किया होगा? बॉटनी वैसे तो 40-45 जी। टोटल लगभग एक एवरेज स्टूडेंट कितना क्वेश्चन किया होगा? लगभग लगभग हमारे हिसाब से तो 150 तक ले गए होंगे, 150 या 155 ऐसे ही किया। टोटल क्वेश्चन 200 का होता है? हाँ, 200 में लगभग 150 का मार्क्स एवरेज स्टूडेंट ले गया है, जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी हम एग्जाम सिटी मतलब जहाँ पे सेंटर था उसे थोड़ा दूर है, क्योंकि वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था। तो चलिए, बस यही रिव्यू देना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।